आज ना बहुत ज्यादा बड़ा वाला मैच होने वाला है, जिसमें दोनों कंटेस्टेंट अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं। या तो मैं जीतूं या तो मैं जीतूं, अपने तरफ से दोनों अपनी पूरी कोशिश लगाने वाले हैं। आज होने वाला है सबसे बड़ा फाइट दो कंटेस्टेंट के बीच में, बहुत मजा आने वाला है आज, लास्ट तक देखना। तो एक तरफ है हमारे पहले कंटेस्टेंट जो कि बहुत पावरफुल है और उन्होंने हार नहीं मानकर वापस से बैकअप करा यूट्यूब में, और वो है गेमिंग विद चिवांग 2.0। तालियों से स्वागत करें गेमिंग विद चिवांग 2.0 का। लेकिन दूसरे साइड में उनके जो ओपोनेंट है वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उन्हें घायल कर दिया गया था, मगर फिर भी वो 50,000 पे घायल होकर वापस से जन्म लेने के बाद आज 91,000 पे हैं, जिन्होंने प्रूफ करा कि हार कभी मत मानना, तुम्हारा जब दिन आएगा तुम पावर अपना दिखा दोगे। दूसरे साइड है हमारे कंसिस्टेंट गेमिंग विद चिवांग, तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। गेमिंग विद चिवांग 2.0 ने गेमिंग विद चिवांग को देखा, गेमिंग विद चिवांग ने गेमिंग विद चिवांग 2.0 को देखा, दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखा, एंड उसके बाद वहां पे ओके हो गया। तो अगर अब हम लोग हमारे पहले कंटेस्टेंट शिवांग, तो अगर अब हम लोग हमारे पहले कंटेस्टेंट के सब्सक्राइबर नंबर पे गौर करें तो वो है 192 के सब्सक्राइबर पे, जो कि एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। लेकिन उनको चाहिए 200 सब्सक्राइबर के लिए मात्र 8,000 और सब्सक्राइबर। लेकिन उसी की तरफ उनका जो अपोनेंट है जिसको देखा जाए तो वो है 93,300 सब्सक्राइबर पे, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज है। मगर गेमिंग विद चिवांग को चाहिए 6,700 सब्सक्राइबर गेमिंग विद चिवांग 2.0 को हराने के लिए। तो ये कंपटीशन कुछ ऐसा है। इस साइड है हमारे गेमिंग विद चिवांग 2.0, इस साइड है हमारे गेमिंग विद चिवांग। इन दोनों में जो भी सबसे पहले गेमिंग विद चिवांग 2.0 अगर 200 के सबसे पहले कर लेते हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर गेमिंग विद चिवांग ने पहले 100 के कर लिया तो वो जीत जाएंगे। इस घमासान मैच में आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही दहे दिल से। अगर हम लोग इसके कुछ स्टैट्स पे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले गेमिंग विद चिवांग का स्टैट, जो कि वो इस साइड में आते हैं, तो उनका स्टैट है कुछ 22,000 सब्सक्राइबर उन्होंने गेन करें लास्ट 28 डेज में, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज है, जो कि गेमिंग विद चिवांग के लिए खतरा बन सकती है और उन्हें डरा भी सकती है। मगर गेमिंग विद चिवांग के पास ये एक घाटा है जो कि उनका कमजोर पॉइंट है, कि गेमिंग विद चिवांग 2.0 को बहुत लोग जानते हैं लेकिन गेमिंग विद चिवांग को ज्यादा लोग नहीं जानते, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है उनके रियल लाइफ टाइम के गेम को। लेकिन यही अगर हम लोग बढ़ते गेमिंग विद चिवांग 2.0 के स्टार्ट की तरफ, तो उन्होंने कुछ गेन करे 42,700 सब्सक्राइबर 28 डेज में, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो कि गेमिंग विद चिवांग को हार के लिए बहुत ज्यादा दूर तक पुश कर सकती है। लेकिन अब मैटर ये करता है कि गेमिंग विद चिवांग का तो कमजोर पॉइंट था कि उसको ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन गेमिंग विद चिवांग 2.0 का क्या कमजोर पॉइंट है। लेकिन फिर भी गेमिंग विद चिवांग 2.0 को अभी अगर वो गेमिंग विद चिवांग को हराना चाहते हैं तो टोटल राइट नाउ उन्हें जो सब्सक्राइबर गेन करने वो है 8,000 सब्सक्राइबर। लेकिन अगर हम लोग दूसरे साइड चलेंगे, जो कि हमारा गेमिंग विद चिवांग जो कि इधर साइड रहते हैं, तो वो उनको चाहिए बस 6,700 सब्सक्राइबर गेमिंग विद चिवांग 2.0 को बीट करने के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हम लोग इनके बैकडाउन पास्ट में जाएंगे तो गेमिंग विद चिवांग की कुछ ऐसी कहानी है, जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया सब कुछ उनका, बहुत प्यारा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उनका चैनल पे हैकरों की नजर पड़ती है और उनका चैनल। मगर फिर भी इस चीज के बाद गेमिंग विद चिवांग ने, जो कि इस साइड खड़े हैं, उन्होंने हार ना मानते हुए भी अपने आप को ये दिखाया कि यस, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे गिर जाओ वापस से उठ सकते हो। उन्होंने 55,000 पे हैक होकर वापस से उन्होंने बैकअप करा और यहाँ पे लास्टली 93,300 पे आ चुके हैं। उनको इतनी प्यारी से सपोर्ट दिखाई GWS आर्मी ने। लेकिन उसी साइड आते गेमिंग विद चिवांग 2.0, जो कि गेमिंग विद चिवांग के हारने के बाद जब हमारा सारे लोगों का उम्मीद टूट गया था, उन्होंने उम्मीद से हार नहीं मानी और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और वो फाइनली आज 192 के सब्सक्राइबर पे उसने सोचा कि नहीं, मैं फिर से कर सकता हूं। गेमिंग विद चिवांग हार गया तो क्या, गेमिंग विद चिवांग 2.0 उसके बदले में आएगा और उसको भी पीछे छोड़ेगा। और वो वापस आया और वो इतनी स्पीड से आगे गया कि गेमिंग विद चिवांग को आज वो पीछे छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी गेमिंग विद चिवांग ने वापस आते हुए उतने दिनों के डेड रहने के बाद 4-5 महीने 2.0 को उन्होंने टक्कर देने की पूरी कोशिश करी और आज हम लोग कुछ इस रिजल्ट में 93,300 और एक है 192 के। अगर हम लोग जस्ट 1 हटा ले तो ये है 92 के पे, ये है 93 के पे, और अब पता नहीं कौन जीतेगा इस मैच। आप लोग किसके सपोर्ट में हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर हम लोग थोड़ा सा अपना प्यारा वाला दिमाग, जो कि बहुत बड़ा दिमाग है मेरा, इतना बड़ा दिमाग, तो अगर हम लोग सोचे जरा कि कौन जीत सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं कुछ बेनिफिट जो कि गेमिंग विद चिवांग के बेनिफिट। अगर हम लोग लास्ट की ग्रोथ देखें गेमिंग विद चिवांग की, जो कि उन्होंने पूरी पुल आउट लगा दी गेमिंग विद चिवांग 2.0 को हराने के लिए, तो उन्होंने अपने सेकंड लास्ट वीडियो पे 3 वीक्स में 325 के व्यूज गेन करे। वहीं पे उल्टी साइड अगर हम लोग देखें गेमिंग विद चिवांग 2.0 का, तो गेमिंग विद चिवांग 2.0 ने 23 आवर में 190 के व्यू अपने लास्ट वीडियो पे अक्रॉस करे हैं। साथ ही साथ गेमिंग विद चिवांग से पहले सिल्वर प्ले बटन लेकर उनको हराया है। अगर हम लोग यहाँ इस पर्सपेक्टिव से देखें तो गेमिंग विद चिवांग यहाँ पे गेमिंग विद चिवांग 2.0 से
स्पीड में भी नीचे हैं और पावर में भी नीचे हैं, क्योंकि उनके पास जो फॉलोअर हैं उनके, उनकी जो आर्मी है उनको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो आर्मी है GWS आर्मी वो 2.0 को बहुत अच्छे से जानती है और सभी लोग जानते हैं। ये चीज उनको घाटा दिला सकता है, बट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं और किसी का भी कोई आता पता नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? आप लोग किसको सपोर्ट करते हो, GWS को या 2.0 को? मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच में। आप लोग किस पे टाइम लगाने वाले हो अपना, गेमिंग विद शिवांग या गेमिंग विद शिवांग 2.0? अगर मैं हालांकि कहूं तो मैं जिसको चाहूं वो जीत सकता है, मान लो मैं अपलोड ही करना वीडियो छोड़ दूं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट। इसको पूरा ही फ्रेशली रूल के साथ खेलने वाले हो, कोई भी चीटिंग नहीं करूंगा मैं, और देखते हैं इन दोनों चैनल में आखिर कौन जीतता है, या 100 के शिवांग पहले करता है या फिर 2.0 200 के पहले करता है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कमेंट में जाके बताओ तुम्हें क्या लगता है आपका कौन सा टीम जीतने वाला है, आप किसके साइड। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इसके और भी मजेदार बातें वहां पे चलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैं भी तो चलता हूं ना, आखिर दोनों को सपोर्ट जो करना है। ऐसे मैं चाहता हूं कि गेमिंग विद शिवांग जीते, बट पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।